हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा। मनु सिलतन लाइव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। तो आप देख सकते हैं मेरा ये किचन का गैस स्टोव कितना गंदा हो चुका है। तो खाना बनाते वक्त तेल के छींटे वगैरह यहाँ पर उड़ते हैं और चिपक जाते हैं, और ये बहुत ही गंदा दिखता है दिखने के लिए, और ये साफ़ भी नहीं होता है जल्दी। तो यही साफ़ करने की नई एक ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो एक कटोरी में मैंने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ विनेगर। तो विनेगर डालते ही देखिए देखिए इसके बबल्स आने लगे हैं, तो इसे हमें अच्छे से चम्मच से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अपने पास ये टूथब्रश पुराने वाले होते ही हैं, तो ये टूथब्रश से अब मैं इस कटोरी में डीप कर रही हूँ, और इस टूथब्रश से हम ये किचन स्टोव साफ़ करेंगे। देखिए धीरे धीरे ये जो गंदगी है ये धीरे धीरे साफ़ होती जाएगी। आप देख सकते हैं मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ। तो घर के ही ये चीज़ों से हम आज ये गैस स्टोव क्लीन करने वाले हैं, और एकदम आईने जैसा ये गैस स्टोव हमारा चमकने वाला है, आप देख सकते हैं। तो पूरा वीडियो प्लीज़ देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये किचन गैस स्टोव गंदा हुआ रहता ही है घर हर घर में, तो वो भी ये किचन गैस स्टोव आसानी से साफ़ कर सकेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये हमारे जो तेल के छीटे जमे हुए हैं किचन गैस स्टोव पर वो साफ़ होते हुए आप देख सकते हैं। अगर आपके पास टूथब्रश नहीं है पुराना वाला, तो आप बर्तन क्लीन करने के लिए अगर ये ग्रीन कलर का स्क्रब वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे भी आप ये साफ़ कर सकते हैं, उससे भी ये आसानी से निकल जाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा यूज़ किया है, और विनेगर तो हर घर में ही रहता ही है पनीर वगैरह बनाने के लिए। तो इन दो चीज़ों से देखिए आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये निकल रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सभी ये गंदगी साफ कर दूंगी। खाना बनाते वक्त हम तड़का लगाते हैं सब्जी वगैरह को, तो उसके तेल के छींटे इससे आकर एकदम जम जाते हैं, और ये बहुत ही गंदा दिखता है दिखने में। तो इस तरह से अगर हमारा गैस स्टोव क्लीन रहेगा तो फ्रेश भी लगता है किचन में खाना बनाते वक्त। तो देखिए ये क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए पूरी जो चिकनाहट जमी हुई थी साफ़ हो चुकी है। तो मेरे बाकी के जो बर्नले साफ़ हो चुके हैं, मैंने ये जानबूझकर गंदा रखा था वीडियो में दिखाने के लिए। तो देखिए बाकी के साफ़ हो चुके हैं मेरे पहले ही। तो अब हम क्या करेंगे, एक सूखे कपड़े से इसे पोंछ डालेंगे। तो देखिए कितने आईने की तरह चमक रहा है हमारा गैस स्टोव। तो आप भी इसी तरह से यूज़ करके देखिए ये दो इंग्रेडिएंट्स, और उसे अपना गैस स्टोव क्लीन कीजिए अगर गंदा हुआ है तो। गंदा हुआ रहता ही है हर घर में, हर घर की प्रॉब्लम है ये कि किचन का अपना जो गैस स्टोव है गंदा होता ही है। तो अगर आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।